कुछ नहीं हो सकता तुझसे। फिलहाल तो देखो हम आ चुके हैं CST। अब यहाँ से हमें पकड़ना पड़ेगा बस पकड़ के जाएंगे। लेट हो चुका है यार, एक्चुअली हम आज निकल तो पड़े थे घर से जल्दी, लेकिन दादर में स्टेशन पे टाइम लग गया है, तो चलते हैं अभी। फाइनली हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया, और गाइस हमें आने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि हमने लेट ट्रेन पकड़ी थी दादर से, इसकी वजह से लेट हो गया। हम ऑलरेडी 4 बजे जाने का प्लान बना था, लेकिन हम रेडी होने में 5 बजे के हमें लेट हुआ, और आए तो यहाँ का एक बार सीन देख लो गाइस, इतनी भीड़ है ना कि आपको बता नहीं सकते। ये देख लो गाइस, ये है ओबेरॉय, ये अपना ताज, और ये अपना एज इट इज गेट ऑफ इंडिया, और यहाँ अपने भाई जो कि कर रहे शूट आपके ट्राइब पॉड के साथ। ये देखो इधर कैसे प्रोफेशनल फोटो शूट्स चलते हैं गाइस, ये है ताज गेटवे ऑफ इंडिया, और ये सब यहाँ पड़ी है जो भीड़। ये भाई क्या कर रहा है, देखो रील्स फेवरेट। बस ये देख लो गाइस इधर का व्यू, इतने बोर्ड से अंदर सुनने हो पा रहे थे। क्या व्यू दिखता है गाइस एक बार देख लो ताज का। एक दिन तो भी ऐसा आएगा जिस दिन आप इसके अंदर जाएंगे वहाँ का शूट करेंगे, देखते हैं अभी वो दिन कब आएगा। और कुछ दिनों बाद जाएंगे अपन अपना बोट में, यहाँ से अलीबाग जाने का प्लान है। मैं आया तो था अर्जुन के साथ, लेकिन अर्जुन का कुछ सीन बन नहीं पा रहा है,
ऊपर से देखो पीछे दिख रहा है आपको किधर, उसके रील्स शूट करने में बिजी है तो मुझे अकेले में शूट करना पड़ रहा है। मन तो कर रहा है लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि शायद से भी 8-9 बजे बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम आओगे तो जल्द से जल्द आने का ट्राई करना, 6 बजे से पहले अगर इधर आ गए तुम तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। और रही बात भीड़ की तो आप कभी भी इधर आओ, आज तो भी सैटरडे इसकी वजह से यहाँ पर ऐसी भीड़ दिख रही है, एज यूजुअल चलती रहती है तो उतना कुछ टेंशन नहीं लेने का। देखो गाइस यहाँ पे ना लिटरली बोलता हूँ, मैंने भी मास्क इसकी वजह से नहीं पहना है क्योंकि मैंने यहाँ पे बाकी लोगों को देखा, यहाँ पे कुछ मास्क पहनने का शायद से कुछ सीन नहीं है। सब लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, फ़ोटोशूट करने आए, तो मास्क किसी ने नहीं पहना, आप देख सकते हो। मोस्टली आपको 30% लोग दिखेंगे कि 70% जो फ़ोटोशूट के लिए आए उन लोगों का ऐसा ही सीन है, किसी ने अब फोटो मास्क भी नहीं पहना है। बहुत भीड़ है बहुत, लिटरली बोलता हूँ बहुत भीड़ है। देख रहा है आपको जगह ही नहीं मिलेगा किधर इधर बैठ के अगर फोटो शूट करना होगा तो। ये देखो किधर बैठ सकते हैं, लिटरली किधर ही नहीं। इससे राउंड मारते हैं, एक जगह लेंगे यहाँ से। देखो गाइस फिलहाल तो हम रील शूट करने का सोच रहे थे लेकिन क्या शूट कर रहा है ना वो समझ नहीं आ रहा, पूरा दिमाग खराब हो चुका है यार रील्स के चक्कर में। इतना भी इजी नहीं है रील शूट करना, पूरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरा तो हो गया। फिलहाल तो बहुत थक चुका है गाइस, मैं बैठ गया हूँ अभी देखो नीचे, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं उसके बाद निकलने का सोच रहे। इधर बैठे थे गाइस हम थोड़ी देर के लिए, ये कौन सा उद्यान है, BMC का कुछ तो भी गार्डन है देखो यहाँ पे लिखा है। फिलहाल सब कुछ हो चुका है गाइस, जो कुछ शूट कर रहे थे रील्स भी कर लिया अर्जुन ने और अभी हम जाने का सोच रहे हैं। तो चलो अभी डायरेक्टली मिलते हैं हॉस्टल पे, इधर से अभी बस पकड़ेंगे उसके बाद अपना CST से ट्रेन होगा। तो कुछ ऐसा 8:30 बजे का व्यू है बाहर, यहाँ से बस पकड़ेंगे अभी यहाँ पर जाएंगे। ये देख लो गाइस इतनी बड़ी भीड़ लगी है अभी। ये स्टेशन का अंदर जाने का इंटरफेस, अपना ऑलरेडी टिकट तो है, अभी टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं, रिटर्न निकाल लिया था आधे टाइम अपन ने, सीधा जाके प्लेटफॉर्म पे जाएंगे गाड़ी पे बैठ के हॉस्टल। अभी भी भीड़ है गाइस, 9 बज गए तो भी इधर जाना है, 5 से गाड़ी पकड़ना है अपने को करजत का, अर्जुन आएगा तब। ये फैन देख लो गाइस एक बार, ये इतना बड़ा है ना भाई, मुझे लगता है कभी कभी गिर गया है ना यहाँ से 25-30 लोगों के तो भी सर काट के ले सकता है, इतना बड़ा फैन है। भागना पड़ रहा है गाइस ट्रेन के लिए। हाँ फाइनली Yeah!
देखो गाइस, फाइनली अपन दादर तो आ चुके हैं, लेकिन इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो जाते जाते अभी चाय पी के जाएंगे, क्योंकि अभी डिनर करने में टाइम बचा है। चाय, एक बार हालत देख लो, एक बार कितनी ख़राब हो चुकी है। जाते वक्त जाते टाइम कितने टेंशन में गए थे, 2 घंटे में हालत पूरी पतली, इसकी ज़रूरत पड़ रही है फाइनली। इसकी तलब कुछ अलग लेवल की है, सोच नहीं सकता। तो चलो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं हॉस्टल में अपने रूम पर, अभी होते फ्रेश, इसके बाद अभी डिनर बचा, डिनर करेंगे।